नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष अमरपाटन सीट से कांग्रेस विधायक डॉक्टर राजेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। सर, सतना में क्या तैयारी चल रही है, क्योंकि पार्टी में तो बड़ी उठापटक, तमाम नेताओं का छोड़ना, कितना प्रभाव इससे पड़ेगा? नहीं, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। इसी तरह मान लें, जिस तरह पीपल के वृक्ष में पुराने पत्ते टूट जाते हैं, नई कोपलें आती हैं और नए लोगों को मौका मिलेगा पद पाने के लिए। कभी वैक्यूम नहीं रहता है, ना समाज में रहता है, ना प्रकृति में रहता है। हवा भर जाती है, लोग नए आ जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव कुछ नहीं। एक मनोवैज्ञानिक थोड़ा सा वो है सर, परसेप्शन का थोड़ा होता है, बाकी वोटों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और तैयारी हमारी अच्छी चल रही सत्ता की। अब थोड़ा साधनों की कमी है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, वो तो साधन संसाधनों से लबरेज हैं, भरा हुआ है पास, बस इतनी कमी है, बाकी जन समर्थन में कमी नहीं। अब हम लोग अपने वोट डलवा लें, ये हमारी कोशिश सबकी होनी चाहिए, क्योंकि हम प्रभारी भी हैं सतना लोकसभा क्षेत्र के, तो चारों तरफ का दौड़ा भी हमारा होता है, तो एक जो मूड है पब्लिक का, मतदाताओं का, उसकी झलक मिलती है थोड़ी सी। 2023 में सांसद, जब वर्तमान सांसद जो थे गणेश सिंह, वो सतना सीट से लड़े, सिद्धार्थ कुशवाहा ही सामने थे और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा में क्या वो पूरा परसेप्शन चेंज हो जाएगा या फिर उसी तरह के परिणाम की उम्मीद? देखिए, वो जो इशू है, ये जो मुद्दा है, वो घटनाक्रम है, वो हमारे पक्ष में एक परसेप्शन क्रिएट करता है, हम लोग उसका एडवांटेज ले रहे हैं। जब ये विधानसभा नहीं जीत सके सिद्धार्थ से, तो लोकसभा कहाँ जीतेंगे? और अपने घर से रहते सतना में, अपनी पोलिंग बूथ जहाँ रहते हैं वहाँ से गणेश सिंह जी हार गए, बांधोगढ़ कॉलोनी की आपदा कर लो, तो ये परसेप्शन हम लोग भी क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारे पक्ष में। 23 के परिणाम पक्ष में नहीं रहे कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, 19 के भी परिणाम पक्ष में नहीं थे सतना लोकसभा की बात की जाए, इस बार कितनी ताकत, क्योंकि कहीं ना कहीं सब कुछ परिवर्तन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बदले, पूरा घटनाक्रम आपके सामने है, लोगों का छोड़ के जाना, कई बार ऐसा लगता है कि तमाम विषम परिस्थितियाँ हैं, ऐसे टाइम फ्रेम में इस इलेक्शन को कैसे सतना लोकसभा? देखिए, जो भी परिस्थितियां हैं उन्हीं के अनुसार, अब बहुत परिस्थितियों को तो हम लोग नहीं बदल सकते हैं, उसी के अंतर्गत हमको योजना बनानी पड़ती है और अपनी लड़ाई, चुनावी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं, तो उस तरह का इंतज़ाम किया हुआ है हम लोगों ने। अब ये ज़रूर है कि कांग्रेस के पास, अब दिल्ली से ही आप ले लीजिए, हमारे खाते फ्रीज हैं, कैंडिडेट्स को पैसे नहीं आए हैं, पैसे जो पार्टी देती थी एक रुपये नहीं आया कैंडिडेट के पास, तो मोदी जी तो इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं कि ऑपोजिशन अकेले लड़ रहे हैं, अकेले दौड़ रहे हैं, 100 मीटर की रेस, कहे किस नंबर पे आए, बोले फर्स्ट आया मैं, जब दौड़ी अकेले रहे हैं, ऐसा वो चाहते हैं। लेकिन जनता भी बड़ी सयानी है और एक स्थिति वो आती है जब आप ऑपोजिशन को बहुत कमज़ोर कर देते हो, जनता को लगने लगता है कि आपके कारण आप उसके संसाधन ख़त्म कर रहे हो, लड़ने नहीं दे रहे हो, तो जनता चुनाव लड़ने लगती है। तो वो स्थिति निर्मित हो रही है देश में कि अब जनता वर्सेस बीजेपी है, कांग्रेस या इंडिया अलायंस की घटक दलों के वर्सेस बीजेपी या एनडीए नहीं है, जनता लड़ रही लड़ाई है। एक आखिरी सवाल, रीवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रीवा में आपने महिला प्रत्याशी दिया है, आज तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात हुई, क्या लगता है, क्योंकि लंबे समय बाद रीवा में महिला प्रत्याशी आपकी पार्टी में दिया है, यहां से क्या उम्मीद है? देखिए, हम लड़ाई में हैं, विंध्य में जितनी सीटें हैं, कांग्रेस अच्छी लड़ाई में है और हमें उम्मीद है कि महिला प्रत्याशी को जीतना चाहिए, क्योंकि एक महिलाओं का एक अलग सा झुकाव होता है और जो एक लाडली बहना का एडवांटेज विधानसभा में इनको मिला था, महिला होने के नाते महिलाओं का लगाव महिला से ज़्यादा होता है, तो उसका निगेशन हो जाएगा थोड़ा, इस वजह से हमारी कैंडिडेट मजबूत है, लड़ाई में है, ताकत से लड़ाई लड़ी जा रही, और ईश्वर करे हम लोग ये हासिल करें। तो ये हमारे साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र सिंह थे, उन्होंने कहा कि सतना, रीवा और विंध्य की तमाम सीटों पे कांग्रेस फाइट में है और अब जनता ये लड़ाई लड़ने जा रही है, देखना है कि परिणाम क्या कुछ होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।